तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 11 एजी तथा क्लास 12 एजी के किसी भी विषय की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और वह पासवर्ड वीडियो में कहीं पर भी हम बता देंगे या लिखकर शो कर देंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप वीडियो को पूरा देखकर पीडीएफ डाउनलोड करना अच्छी तरीके से समझ सकें। तो पहले तो आप यह जान लें कि आप प्लेलिस्ट से भी आप हर विषय की वीडियो पा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम YouTube खोलेंगे और YouTube पर सर्च करेंगे। अब आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, तो जैसे ही फोटो पर आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर देखिए होम है, वीडियोज है, शॉर्ट है और प्लेलिस्ट है। तो आपको इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, तो यहाँ आपको सभी विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैथ के सभी चैप्टरों की वीडियो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो शेष विषय हैं तो शेष विषयों में जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं उनकी भी प्लेलिस्ट इसमें मिल जाएगी। अनसोल्ड की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर जो हैं वो भी मिल जाएंगे, उसका हल भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। तो उसके लिए जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए यह होता है डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर आपको मिलेगा मोर, तो इस मोर पर आपको क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है आवर वेबसाइट, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। मोबाइल में आप खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जबकि कंप्यूटर या लैपटॉप में खोलोगे तो दूसरी प्रकार से यह वेबसाइट बनकर आएगी। तो अब इस वेबसाइट से भी आप क्लास 11 एजी व 12 एजी के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अर्थात परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। अभी इस पर और भी काम चल रहा है। इसमें देखिए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी हैं। अभी सिर्फ क्लास 11 एजी इंजीनियरिंग और क्लास 12 एजी केमिस्ट्री पर ही काम किया गया है और बाकी विषयों पर काम चल रहा है। जल्द ही सभी विषयों के आर्टिकल यहाँ पर आपको शो करने लगेंगे। तो जैसे हम क्लास 11 एजी इंजीनियरिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लास 11 एजी इंजीनियरिंग के जितने भी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, यह तो एक नंबर के हैं। फिर यहाँ पर आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या नंबर 2 दाबेंगे तो और जो भी आर्टिकल हैं वो आ जाएंगे। जैसे यदि हम इस पार्ट 4 को खोलें, कृषि अभियंत्रण का प्रश्न यहाँ से पढ़ सकते हो। तो अब बात करते हैं कि हम पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। तो जो यहाँ पर यह 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। होम का मिलेगा ऑप्शन, क्लास 11 एग्रीकल्चर का ऑप्शन मिलेगा और क्लास 12 एग्रीकल्चर का ऑप्शन मिलेगा और एक मिलेगा ऑप्शन नोट्स का। तो जो यह क्लास 11 एग्रीकल्चर है तो इधर आएंगे तो देखिए यहाँ पर एरो का निशान मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस एरो पर जब क्लिक करोगे तो क्लास 11 एजी के जितने भी विषय हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। तो आपको इसमें से जिस विषय के भी नोट्स चाहिए उस पर आपको क्लिक करना होगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डाउनलोड कर लें अथवा यहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, इस वेबसाइट से भी। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको नोट्स पर क्लिक करना है, क्योंकि जितने भी पीडीएफ मिलेंगे सारे पीडीएफ नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, आर्टिकल में भी मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पहले आपको आर्टिकल में जाना होगा, फिर नीचे डाउनलोड का बटन मिलेगा। लेकिन जब आप नोट्स पर क्लिक करेंगे तो नोट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एरो आएगा, तो इस एरो पर हमें क्लिक करना होगा। अब देखिए नोट्स किस किस के मिलेंगे, तो कृषि अभियंत्रण का नोट्स मिल जाएगा, मैथ्स का नोट्स मिल जाएगा, सस्य विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का और भौतिक विज्ञान का, इनके नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ कृषि अभियंत्रण का ही पीडीएफ अपलोड किया है, इसलिए आपको वही मिल पाएगा। ठीक है, कल या परसों तक इन सभी विषयों के भी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आपको कृषि अभियंत्रण पर क्लिक करना है तो एक नई टैब खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हमें स्क्रॉल करना है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर आपको 15 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही 15 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाई। अब यहाँ आपको वेरीफाई करना होगा, जो कि यह 3 स्टेप में पूरा होगा। इसमें करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ 15 सेकंड वेट करना पड़ता है, जिसमें आपको 3 स्टेप के बाद पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो हमें इस वेरीफाई पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ से वीडियो ध्यान से देखना। तो वेरीफाई करने के बाद हमें फिर नीचे आना है, चाहे तो इस एड को यहाँ से हटा सकते हैं। अब आपको नीचे आना है। ठीक है,
नीचे यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर तीन स्टेप हैं जिसमें अभी सिर्फ एक ही स्टेप पूरा हुआ है, जबकि हमें तीन स्टेप पूरे करने होंगे। फिर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यदि यहाँ पर ऐड आ जाए तो इस क्रॉस पर क्लिक करके इस ऐड को हटा सकते हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पर हमें 15 सेकंड वेट करने के लिए बोलेगा और यदि ये ऐड ऊपर आ रहे हैं तो इनको हटा सकते हैं या पड़ा रहने दें। फिर देखिए वेरीफाई आ गया है तो फिर इस वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो जैसे पहले स्टेप में हमें नीचे आना पड़ा था, सेम उसी प्रकार फिर से हमें नीचे आना होगा। तो देखिए यहाँ पर दो स्टेप पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब फिर हम इस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब फिर हमें यहाँ पर 15 सेकंड वेट करना पड़ेगा। फिर वेरीफाई का ऑप्शन आ गया है तो फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। बस ये लास्ट था वेरीफाई। अब आपको फिर नीचे आना है पहले की ही तरह। फिर यहाँ पर हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब लास्ट तीसरा स्टेप हमारा पूरा होने वाला है तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिंक आने वाली है, वेट करना पड़ेगा। अब देखिए लिखा है गेट लिंक, तो गेट लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी पीडीएफ आ जाएगी। ये देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है, तो जो यहाँ पर यह एरो बना है इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगी। ये देखिए लिखा है योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग। अब यहाँ पर फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं आप, तो हम यहाँ पर डाउनलोड कर ले रहे हैं बिना नाम चेंज करे, ठीक है। देखिए डिटेल में जाएंगे तो देखिए यह फाइल डाउनलोड होने लगी है, 51 MB की है यह फाइल। तो PDF हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको काट देंगे और जाएंगे अपनी फाइल में, ठीक है, जहाँ पर हमारी PDF डाउनलोड हुई होगी। तो हमारी PDF फाइल में चली गई होगी, तो फाइल पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए यह आ गई हमारी PDF क्लास 11 AG इंजीनियरिंग। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यह एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यदि आपके पास एक्सट्रैक्ट करने का सॉफ्टवेयर है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, 2.5 MB का है। देखिए प्ले स्टोर पर जाएंगे, सॉफ्टवेयर का नाम है जिप, लिख सकते हैं जिप एक्सट्रैक्टर या रार, ठीक है। तो देखिए यह रार का सॉफ्टवेयर है, हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। हो सकता है आपके मोबाइल में ऐसा ना हो, क्योंकि किसी किसी मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है और इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, ओपन विथ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐप हमारा आ गया रार का, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए हमारी PDF आ गई, अब इसको ओपन कर लें। तो देखिए यहाँ पर इसने पासवर्ड मांग लिया, ठीक है, ओके करेंगे। देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया, तो चलिए हम खोल के देखते हैं। तो देखिए ये रही PDF, ठीक है। इसमें सिर्फ बहुकल्पी पर्सन हैं, इसमें सिर्फ जितने भी कृषि अभियंत्रण के बहुकल्पी पर्सन हैं उन्हीं को लिया गया है, ठीक है, इस PDF में। अगले PDF में आपको लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, निश्चित उत्तरी तथा दीर्घउत्तरी, इन प्रश्न उत्तरों के भी PDF देंगे, वो भी वो PDF देंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस प्रकार से हम PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से जितने भी ये पर्सन हैं इनको याद कर लेना, इन्हीं में से देखिए बहुकल्पी पर्सन आएंगे, ठीक है। जितने भी बहुकल्पी पर्सन हैं वो इसमें सभी पर्सन लिए गए हैं। जब भी अगला PDF हम डालेंगे तो हम YouTube पर ही शेयर कर देंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाना और नोट्स पर क्लिक करके जिस विषय का भी आपको PDF चाहिए उस पर क्लिक करके इसी प्रकार से डाउनलोड कर लेना।